इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जो ये फ्रांस ने जो अब तोहनी रसालत की थी, इसके बाद में जो पाकिस्तान में मुजाहरे हुए और पाकिस्तान ने जिस वक्त जो तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई, तो इस पर बड़े खुशी के शादियाने बजाए गए अमरीका यूरोप में। और अब इसके बाद में मैं वहाँ पर फ्रांस की हिमायत के अंदर फ्रांस ने जो फ्रांस के हक़ में यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पेश कर पास कर दी है, और यूरोप की इंतहाई पसंदी जो है का नया रूप सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के को चाहिए कि ये जो तोहनी रसालत का कानून है वो उसको वापस ले। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। वो इसने दफ्तर खारजा ने उस पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि तोहनी रसालत और कवानीन मज़हबी हसासियत के हवाले से उनकी जो लाइलमी है उससे का इजहार होता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मुल्की कवानीन के हवाले से गैर ज़रूरी तबसरा काबिल अफसोस है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट, जमहूरियत, फाल सोसाइटी, आज़ाद मीडिया और ख़ुद मुख्तार अदलिया मौजूद है, जो तमाम शहरियों के बड़ा इम्तियाज़ इंसानी हकूक़ के तहफ़ के फ़रोग में मैं अपना किरदार अदा कर रहा है। और दफ्तर खारजा ने अपनी अकलियतों पर भी फ़ख्र का इजहार किया कि वो अकलियतें हमारी महफूज हैं और वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। तर्जुमान ने कहा कि बढ़ते हुए इस्लामी फोबिया में को रोकने की ज़रूरत है और ये जो ज़रूरत है, और आलमी बरदारी जो है ज़ेनोफोबिया, आदम बर्दाश्त और तशद्दुद उकसाने के ख़िलाफ़ मुश्तरक आज़म का इजहार करे, पुरअमन बकाए बामी के लिए काम करने की ज़रूरत है। दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और यूरोपियन के दरमियान दोरफा तालुकात के तमाम पहलुओं बातचीत के लिए कई मेकनज़म मौजूद हैं। जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, गवर्नेंस और इंसानी हकूक बात हो सकती है। हम बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर यूरोपीय से मजबूत रवाबित रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने करारदाद पास की है फ्रांस के लिए, फ्रांस के काबिल गिरफ्त अकदाम पर। ये अब ये तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं यूरोप जो हैं, और हम समझते हैं कि ये इब्तिदा हो चुकी है। ख़त्म नबूद के बाहर मामले में कोई सौदेबाजी आपसे नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि हम बैठ में ताकत हैं। वो सिर्फ हम ये कहते थे कि हम इंडिया स्पेसिफिक हैं, अब ये ख्याल छोड़ दें। अब तो ये दुनिया आपको चैलेंज कर रही है, आपको ये साबित करना होगा कि भाई आप बैठ में ताकत हैं, और आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आपको अपने होश के नाखून लें और आपको आप हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हम अगर आपका दिमाग ख़राब, अगर ये दिमाग इतना ख़राब है, कुछ भी बनने के बाद ये है कि भाई अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो हम भी पाबंदी लगाएंगे, आपके हम सारी मसनूआत पे पाबंदी लगा देंगे, क्या होगा हमारे पास। हमें तो अपनी रोटी चाहिए, दाल चाहिए, अब हमारे पास मिलती है, हम मिल बना लेंगे, नहीं बना देंगे घरों में खा लेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमारे तुम्हारे सामान तैयश की, जो हम तुम्हारे सारी चीज़ों में पाबंदी लगा देंगे, यूरोप की हर चीज़ पर पाबंदी लगा देंगे। इनकी चॉकलेट है, चाय है, कॉफी है, क्रीम, सब पर पाबंदी लगा दें। और आज के ये हम अपील करते हैं कि सारे लोग इसकी, इन लोगों की, यूरोप की सारी चीज़ों की पाबंदी बंद कर दें। और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं यूरोप से, चीज़ आ रहा है, ये सब बंद कर दें और ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी हैं जी। और ये सारी चीजें हम खुद भी बनाते हैं, हम बनाते हैं, और जो नहीं बनाते वो बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। चीज़ हमारे घर में बनती है, बेहतरीन चीज़ बनेगी, जो पनीर कहते हैं, जैसे दूध है, दही है, हम जो दूध आता है, ये जो बाढ़ का आता है, ये दूसरे टाइप है, सब बंद करो इनको, इनके दिमाग दुरुस्त करो। कि समझते ये है कि सब हमारी दुनिया हमारे दिल चलती है, तुम्हारी वजह से नहीं चलती है, हम लोग चलाते हैं जी। हमारे हमसे पैसा लेकर तुम लोग छीन के जाते हो। तुम लोग जो है, जो हम इंग्लैंड की बात कर लो, जो इंग्लैंड दुनिया भर का जो इंडिया जो था मुग़ल एम्पायर के ज़माने के अंदर, हम माशी तौर पर इतने ताकतवर थे कि तुम जो है सारा सोना हमारा ले गए, तुम हमारा सारा अनाज ले गए, तुम्हें हमें कंगाल कर गए। वो एक दिन हम बयान करेंगे कि क्या किया है तुम जालिमों ने। और इस तरह से फ्रांस ने किया तमाम जो है अफ्रीका के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत की, और आज भी जुल्म और बर्बरियत के बाजार गर्म कर रखा है फ्रांस ने। और जो अल्जीरिया में किया इन्होंने, जो मोरक्को में किया इन्होंने, जो आज नाइजर में कर रखा है इन्होंने, जो दूसरे मुल्कों में कर रखा है, आज भी जुल्म सदम के जो है पहाड़ डाल रखे हैं इन लोगों ने, फ्रांस ने। तो अब फ्रांस के अंदर से जो अपनी तहरीक उठ रही है,
वो तहरीक भी काफ़ी है फ्रांस को तबाही, मैक्रोन को तबाह करने के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि जो अब उन्होंने ये जो कोरोना वायरस खिलाफ जो पाबंदी उसके खिलाफ जो उन्होंने मुजाहरे किए हैं वो जोर पकड़ेगी। और ऐसे ही होता है कुदरत का निज़ाम, जब वो कुदरत जोश पे आती है तो फिर ऐसे ही करती है, जैसा कि दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद कर जाती है, मुल्कों को तय भाला कर देती है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ये लोग करना चाहते हैं। ये मिडिल ईस्ट में भी इनके 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 अभी जो बैरूत में धमाका हुआ था उसमें इनका भी सब इनका, दे आर द स्पॉयलर्स, क्योंकि ये लोग देखिए आप ये देखिए जब से इन्होंने किसने कब से किया, आप जाकर गोवा पर ही आ गए थे जी, पुर्तगीज आ गए थे, फ्रांस के लोग जो है जहाँ पहुँचते थे चले जाते, अफ्रीका की तरफ रुख कर लिया था, लंदन ने तमाम एशिया की तरफ रुख कर लिया था। तो ये जो कुछ भी है ये वक्त टाइम एक जैसा नहीं रहता, वक्त अपने आप को दोहराएगा। और आप फिक्र न करें, जब आप बातें करते थे इसकी बोस्निया की, तो बोस्निया में जो ज़माने में तुर्कीश अम्पायर थी वो फैल गई थी तमाम यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गई थी, आप पर हम वो कामयाब नहीं हो सके थे फ्रांस के ऊपर, तो आप हो जाएंगे, क्यों क्यों आप फिक्र करते हो। अब फ्रांस को तो हमें अब ये बात तो तय हो गई कि फ्रांस को हमें का हिसाब किताब हमें बराबर करना है, जो तुम जो करते आ रहे हो जो खलीफा जो अब्दुल हमीद दोयम के ज़माने से, जो उसने तुम्हें धमकी दी थी तुमने जब बंद कर दिया था, लेकिन तुम अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते हो, तुम शरीफ इंसान नहीं हो। तो हमारे तो ये तो तमाम अम्बिया इकराम जो हैं काबिल एहतराम हैं, आप लोगों के लिए बड़े आप जालिम लोग। तो गाइज ये वीडियो ये ख़त्म होता है यहाँ पर, आपने डेफिनेटली इस बुढ़ाऊ को सुनकर हंसा तो होगा। इस बुढ़ाऊ ने दोनों पैर कब्र में डाले हुए हैं और इस तरीके की बातें कर रहा है कि मतलब क्या बोलूँ यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं पाकिस्तानी, और इस तरीके के बेवकूफ़ पाकिस्तानी डेफिनेटली पाकिस्तान को मतलब नीचे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये बुढ़ाऊ कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियर बम है फ्रांस को टारगेट करते हुए, मतलब यार क्या पागल है क्या यार भाई तू, फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर बम है, समझ रहा है तू फ्रांस। इस बुढ़ाऊ को पता नहीं होगा यूरोप में फ्रांस का मैप कहाँ है, मैं गारंटी से कहता हूँ। ये पता नहीं इसने कुछ ऑक्टोमन एम्पायर वगैरह बात करके बोल दिया फ्रांस बच गया था, जैसे मतलब इस बुढ़ाऊ का कोई रिश्तेदार ऑक्टोमन एम्पायर में फौजी वगैरह हो, यार क्या बोलूँ यार। कुछ इसने डायलॉग मारा मुगल थे हम ये, और वो इंडिया को लूट के ले गए ये और वो, मतलब यार हद है यार, क्या बोलूँ उन गधों को, कुछ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का बुढ़ाऊ बोल रहा है कि मतलब फ्रांस ने जो यूरोपियन यूनियन ने जो एक्शन लिया है वो उसके खिलाफ इसका कमेंट था। आपको पता होगा पाकिस्तान में कुछ दिन पहले कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, तहरीक लब्बैक नाम की पार्टी ने फ्रांस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे, फ्रांस के जो एम्बेसडर थे उनको निकालने के लिए वो बेसिकली प्रोटेस्ट थे, और फ्रांस ने अपने नागरिकों को बुला भी लिया था क्योंकि उन पर अटैक्स होने के थ्रेट थे। तो गाइज पाकिस्तान को पता था, ये पता था कि फ्रांस बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला भी था फ्रांस बहुत कुछ कर सकता है, और उसने स्टार्टिंग कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने जो पाकिस्तान को फ्री ट्रेड मतलब करता था, पाकिस्तान का 25% यूरोप में माल जाता है बिना टैक्स के, कुछ उस पर टैक्स वैक्स नहीं लगता है, इनको इतना मतलब फ़ायदा होता था, अब उसकी तो बैंड बजना शुरू हो जाएगी, और उससे बेसिकली फ़ायदा इंडिया बांग्लादेश जैसी कंट्री को होगा, क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं वो यहाँ पर भी आसानी से हो जाती हैं, तो वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो देश फ़ायदे में जाएंगे, पाकिस्तान नीचे जाएगा, इनके माल पर वैसे भी टैक्स लगेगा, इनका माल वैसे भी महंगा है, तो वो और नीचे जाएगा तो वो महंगा बिकेगा नहीं। तब देखते हैं आने वाली सिचुएशन में क्या है। हालांकि इन बुढ़ऊ ने तो अपना न्यूक्लियर बम का बटन दबा दिया है, लेकिन वो न्यूक्लियर बम खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो गाइस वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपको एक कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे पता है ये मज़ेदार वीडियो था तो डेफिनेटली लाइक करें वीडियो को।